हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग कुछ लाइव वीडियोस बना रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे भी एक आध लाइव वीडियो बनाना चाहिए। और ये लाइव वीडियो बनाया है मैंने सनी देओल की आवाज़ का। सनी देओल की आवाज़ डिफरेंट सिचुएशन में कैसे थोड़ी थोड़ी बदल जाती है, और सेम सेट ऑफ एक्टर्स लिए हैं। यानी सनी देओल के सामने अमरीश पुरी को ही रखा है, और जो तीन फिल्में हैं वो है दामिनी, एक फिल्म जिसमें अमरीश पुरी फादर का रोल कर रहे हैं, और एक फिल्म है गदर एक प्रेम कथा जिसमें अमरीश पुरी सनी देओल के फादर इन लॉ का रोल कर रहे हैं। तो दामिनी और गदर में अमरीश पुरी विलन है, लेकिन दामिनी में अमरीश पुरी को सनी देओल बहुत प्यार से समझा रहे हैं, जबकि गदर में डांटते हुए समझा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दामिनी से। दामिनी में किस तरह सनी देओल अमरीश पुरी को समझाते हैं। चड्डा समझाओ इसको, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए जो जिगर चाहिए होता है ना, वो किसी बाजार में नहीं मिलता। मर्द उसे अपने साथ लेके पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी में पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अब सनी देओल विलेन को भी इतने प्यार से समझा रहे हैं। सेम यही सिचुएशन सनी देओल के फादर का रोल जब अमरीश पुरी कर रहे थे वो बनी। देखिए किस तरह समझाते हैं। बाबूजी, आदमी झूठ बोल रहा है, आप इसकी बातों में यकीन ना करें। और फिर लास्ट में मूवी आई कदर एक प्रेम कथा, 2001 15 जून को लगान के साथ जो रिलीज हुई थी, और उसमें अमरीश पुरी विलेन है, लेकिन दामिनी से जस्ट अपोजिट। अब सनी देओल उनको समझा नहीं रहे हैं, अब उनको डांट रहे हैं बहुत बुरी तरह से। अशरफ अली, किन हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं आप? सारी दुनिया जानती है बंटवारे के वक्त हमारे दिए हुए 65 करोड़ रुपए से आपके सर पर तरपाल आई है। बरसात से बचने की हैसियत नहीं है और गोलीबारी की बात करते हैं।